बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल महफिल फूड पॉइंट। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और सरगोधा में बहुत ज़्यादा मज़े की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है बाहर, तो हमने बहुत अच्छे क्रिस्पी पकौड़े बनाए हैं और उसके साथ गर्मा गर्म चाय को हमने सर्व किया है। बहुत मज़ेदार हमारी दोनों चीज़ें तैयार हुई हैं। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं और उसके साथ हमने गर्मा गर्म चाय को सर्व किया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। आप इसको दही वाली चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में बारिश हो रही हो तो आप ज़रूर इस तरह के पकौड़े बना के इंजॉय करें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्याज ली है हमने, छोटे साइज़ की प्याज है, और तीन छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। इसको हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह, लंबाई में हम कटिंग कर लेंगे इसको। और बहुत ज़्यादा हम प्याज नहीं डालेंगे इसमें, आलू की क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा रखेंगे और प्याज इसमें कम यूज़ करेंगे। वरना पकौड़ों का टेस्ट मीठा सा हो जाता है, और जब इसमें आलू ज़्यादा होंगे तो हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आलूओं को भी छील के इस तरह लंबाई में कटिंग कर लेंगे। इस तरह छोटे क्यूब्स में हमने कटिंग नहीं करना, इस तरह लंबाई में कटिंग करेंगे तो हमारे पकौड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। जब हम कढ़ी वगैरह के लिए पकौड़े तैयार करते हैं तो आलू को क्यूब्स में कटिंग करते हैं, तो कढ़ी में वो वाले पकौड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह हमने कटिंग कर ली आलू, और ये मसाले हमारे पास, मसालों में हमने नमक लिया हसबे ज़रूर ले लिया, ये कुटी हुई लाल मिर्च है आधा टेबल स्पून लिया हमने, दो से तीन चुटकी हमने मीठा सोडा इसमें लिया है, वन टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है, और एक चाय का चम्मच हमने इसमें पिसी हुई अजवाइन ली है, और दो हरी मिर्चें लिए हमने, और हमारे पास इस वक्त साबुत धनिया नहीं है। खुशक अगर आपके पास हो तो आप वन टेबल स्पून वो इसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और पुदीने को हमने कुछ किए हुए, अगर आपके पास ताज़ा पुदीना और धनिया हो तो आप वो इसमें ऐड करें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने पुदीने को हुशे किए हुए धूप में, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। थोड़ा सा इसको क्रश कर लें हाथों से और इसमें डाल देते हैं। ये तकरीबन एक कप हमने बेसन लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, इसमें एकदम बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, और सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास दही हो तो आप वो भी एक चम्मच इसमें डाल सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। थोड़ा सा पानी इसमें हम और शामिल कर देंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना आलू और प्याज पे कोटिंग लगती नहीं है। ये आलू और प्याज इसमें ऐड कर देते हैं, और जो हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है उससे पकौड़े अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बाज़ दफ़ा लोग जब पकौड़े बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार
अंदर से सॉफ्ट बनेंगे मीठे सोडे के साथ और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सिर्फ 2 से 3 चुटकी हमने इसमें ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, फिर पकौड़े बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तेल को हमने गरम कर लिया है और इसको हम चम्मच से नहीं डालेंगे, हाथों की मदद से डालेंगे। जैसे बाज़ार वाले पकौड़ों की लुक होती है उस तरह की लुक आएगी इसकी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तो हमारे पकौड़े अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये पकौड़े एक साइड से पक गए हैं, बहुत खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आ गया, तो हम इसको पलट लेते हैं। मैंने इसमें खुशक पुदीना ऐड किया है, अगर आपके पास ताज़ा धनिया और पुदीना आप इसमें थोड़ा सा वो शामिल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी आपके पकौड़ों में। पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं तो एक तरफ हम चाय बना लेते हैं। 1 कप हमने पानी लिया है और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें पत्ती ऐड की है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें चीनी ऐड की है और 2 इलायची इसमें डाल देते हैं। पत्ती में अच्छी तरह उबाल आ गया है, हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसमें दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 3 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और जब तक हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं साथ हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये पकौड़ों का बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन गए ऊपर से। अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो हमारे पास मिक्सचर बचा है पकौड़ों का वो भी इसमें शामिल कर देंगे और पकौड़े भी हम तैयार कर लेंगे। अगर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल हो ऊपर तक भरी हो तो आप इसमें इकट्ठे भी इतने पकौड़े बना सकते हैं। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा इसका गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और चाय भी हमारी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी सी हमारी चाय उबल गई है और इसमें इलायची का टेस्ट भी आ गया है। तो सारे पकौड़े हम निकाल लेते हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। चाय के साथ हम सर्व करेंगे। ये मेरी बेटी आर्टिस्ट बनी है और उसने केचप के साथ बारिश लिखा है इसमें। पकौड़ों को हमने सर्व कर लिया। अब हम चाय को भी सर्व करते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों और गर्मा गर्म चाय आप बारिश में पिए तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े तैयार हुए हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ भी
और दही वाले रायते के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं पकौड़े। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए करें, इससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।